मैंने कपलर निकाल दिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लगा के आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते साइड स्टैंड का कटआउट सेंसर का जो वायर होता है वो यहाँ से होते हुए ऊपर एक कपलर के थ्रू ज्वाइंट होता है। और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे शायद ये पहली वीडियो होगी जो रॉयल एनफील्ड मीटिंग। Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say. Hey, what's up, guys? Welcome back to my channel. I hope you all guys are doing good. So, आज मैं आप लोग के लिए एक Royal Enfield Meteor 350 पे एक और वीडियो लेके आया हूँ, जो कि होने वाली है आपके साइड स्टैंड को लेके। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि Royal Enfield Meteor 350 में साइड स्टैंड सेंसर दे रखा है, जिसकी वजह से होगा क्या कि अगर बाय चांस आपका स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है, और बाय चांस अगर कभी आपका साइड स्टैंड ट्रैवलिंग के दौरान किसी इम्पैक्ट के थ्रू ख़राब हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो आप अपनी बाइक कैसे स्टार्ट करेंगे। सो यही सल्यूशन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ कि आपको अगर मैकेनिक नहीं मिलेगा तो ईज़िली आप उसको यूज़ करके आप नज़दीकी रॉयल एनफील्ड शोरूम पे या तो आप अपने ईज़िली घर पर पहुँच सकते हैं। सो आइए मैं पहले आपको दिखाता हूँ कट ऑफ सेंसर कैसे काम करता है। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने साइड स्टैंड को ओपन करता हूँ और फिर मैं अपनी बाइक को ऑन करके दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं अपनी बाइक को ऑन कर दिया है मैंने, और आप देख सकते हैं मेरी बाइक इस टाइम न्यूट्रल पे है। अब मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो आप देखिए मेरी बाइक स्टार्ट हो चुकी है और मैंने साइड स्टैंड ओपन कर रखा है। अब जैसे ही मैं अपना पहला गियर लगाऊंगा, ये गाड़ी हमारी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो मैं आपको पहले लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी बाइक ऑटोमेटिकली सेंसर के थ्रू बाइक बंद हो गई है, बताती है कि आपका स्टैंड लगा हुआ है। सो इसी तरीके से ये कट ऑफ सेंसर काम करता है। सो गाइस, हमारा जो कट ऑफ सेंसर है वो एक तरीके से और काम करता है, वो आपको दिखाता हूँ मैं पहले। तो मैं अपनी बाइक को ऑन करता हूँ इस तरीके से, और ये न्यूट्रल पे हो रखी है इस टाइम। सो बाइक को मैं ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने अभी कोई गियर नहीं लगा रखा है। अब मैं पहला गियर आपको लगा के दिखाता हूँ, और हमारे व्हील जो है वो रोटेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड स्टैंड नहीं लगा हुआ है। अब मैं आपको साइड स्टैंड लगा के दिखाऊंगा और ये हमारी बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो ये देखिए, अब देख सकते हैं ये हमारी बाइक ऑटोमेटिकली कट ऑफ सेंसर के थ्रू ऑफ हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज जो ट्रैवलिंग फंस जाएंगे तो आपका सेंसर कैसे काम करना बंद कर देगा। सो अभी तो मेरा सेंसर काम कर रहा है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेंसर कैसे काम करना बंद हो जाता है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने पहला गियर लगा दिया है और हमारा साइड स्टैंड लगा हुआ है, और मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये स्टार्ट नहीं होगी बाइक आपकी। अब मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, ये बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी आपकी। ऐसे ही वक्त पे जब आप फंस जाएंगे तो आपको क्या करना है, वही सोल्यूशन मैं आपको अब बताता हूँ। और मैं टूल बॉक्स से जो आपको टूल चाहिए होंगी, रिक्वायरमेंट होंगी, वो टूल आपको निकाल के दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है टूल किट जो हमारे रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के साथ मिलती है, जो कि टूल बॉक्स के अंदर मिलेगी आपको। और इसमें एक एलन की दे रखी है जो कि 6 mm की है, बट हमको एलन की ही की ज़रूरत है, बट हमें 6 mm की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पड़ेगी 5 mm की ज़रूरत, जो कि आपको बाहर से परचेज़ करके लानी पड़ेगी। सो इसको दिखाने का मतलब यही था कि आपको एक एलन की परचेज़ करनी पड़ेगी बाहर से, जो कि मैंने भी परचेज़ की है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक एलन की है 5 mm की, जो मैंने परचेज़ की है। आप भी बाहर से परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपको अराउंड 20 से 30 रुपये के बीच में मिल जाएगी। और यही एलन की हमारा यूज़ होगा अपने साइड पैनल्स को खोलने के लिए। सो आपको मैं दिखाता हूँ इस साइड पैनल हमारे कैसे खुलेंगे। सो गाइस, ये है लेफ्ट साइड का हमारा साइड पैनल, जिसको हमें ओपन करना है। इसी के अंदर सोल्यूशन है हमारा जो कट ऑफ सेंसर का है। सो मैं आपको 5 mm की एलन की से, 2 स्क्रू हैं यहाँ पे, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop. Guys, दोनों स्क्रू मैंने ओपन कर दिया है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी ओपन कर दिया। अब ये साइड पैनल है, इसको हमें निकालना है। सो आप देख सकते हैं, इधर से तो हमारा ढीला हो गया है, बट यहाँ पे एक पिन लॉक होता है, इसको हमें यहाँ से ऐसे करके मूव करना है। सो ये इधर से भी निकल जाएगा, और हमें करना क्या है, एक उंगली लेनी है, यहाँ पे हमें ऐसे करके निकाल के ऐसे करके इसको घसीट देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाता है। अब मैंने ये साइड पैनल निकाल लिया है, और इसके अंदर होता है हमारा एयर फिल्टर, जो कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मैंने अपना एयर फिल्टर को कैसे क्लीन किया था, और आपको भी अगर करना है घर पर तो कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा साइड स्टैंड का जो सेंसर का कट ऑफ
कपलर होता है वो कहाँ पे होता है। सो गाइज मैं आपको अब दिखाता हूँ जो हमारा साइड स्टैंड का कटआउट सेंसर का जो वायर होता है वो यहाँ से होते हुए ऊपर एक कपलर के थ्रू ज्वाइंट होता है। कपलर को अगर हम निकाल देंगे तो हमारा साइड सेंसर जो है वो काम करना बंद कर देगा। सो आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आप पास आइए तो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, ये ब्लैक रंग के रबड़ से एक कवर होके यहाँ पे आपको तीन कपलर दिख रहे होंगे जो कि हमारे है वाइट कलर का, ब्लैक कलर का और रेड कलर का। जो इसमें से रेड कलर का जो कपलर है वो हमको निकालना है जो कि साइड सेंसर का कपलर है। सो इसको अगर हम ऐसे करके आपको निकाल के दिखाएं, अगर यहाँ पे पुश करके इसको निकाल देंगे आप, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा साइड स्टैंड का जो कट ऑफ सेंसर का जो वायर है वो काम करना बंद कर देगा। सो गाइज मैंने कपलर निकाल दिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये साइड स्टैंड लगाने के बाद हमारा सेंसर काम करता है कि नहीं करता है। सो मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, गियर लगा के आपको दिखाऊँगा कि हमारी बाइक मूव करने लायक है कि नहीं है। सो गाइज अब मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ और ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है कि नहीं। अभी न्यूट्रल पे है हमारी बाइक और मैंने इसको बाइक को ऑन कर दिया है और कपलर आप देख सकते हैं, दोनों कपलर मैंने निकाल रखे हैं और अब मैं पहला गियर लगा रहा हूँ आपको आपके सामने और देख सकते हैं साइड स्टैंड लगा हुआ है तब भी हमारी बाइक मूव कर रही है। और बाय चांस अगर मैं साइड स्टैंड इसको हटा भी दूँ और वापस फिर से लगा के आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये साइड स्टैंड लगने के बावजूद हमारी बाइक मूव कर रही है। सो बाय चांस अगर आप कभी ट्रैवलिंग में फंस जाएंगे तो आप इजीली नियरेस्ट रॉयल एनफील्ड शोरूम पे या तो आप अपने घर इजीली पहुंच सकते हैं। सो गाइज मैं आपको दिखाऊं अगर तो आप देख सकते हैं कि मैंने कपलर दोबारा फिर से लगा दिया है इस तरीके से और मैं आपको अब बाइक ऑन करके दिखाता हूँ साइड स्टैंड लगा के कि हमारी बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। सो ये देखिए मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ और अभी न्यूट्रल पे है और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है और अब मैं पहला गियर लगा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। सो आप देख सकते हैं कपलर वापस लगाने के बाद हमारी बाइक स्टॉप हो गई है। सो गाइज अभी आपने देखा कि मैंने कैसे साइड स्टैंड के सेंसर को डिसेबल किया है और ये हमारी मूविंग कंडीशन में हो गई थी। सो बाय चांस कभी आप ट्रैवलिंग फंस जाए और साइड सेंसर आपका काम करना बंद कर दे, सो आपको इसी तरीके से जो मैंने करा है वही आपको करना है। एक एलन की आप परचेज करके अपने टूल बॉक्स पे रख लीजिएगा और जब भी आप फंसें तो इसको कपलर को निकाल के आप नियरेस्ट जो आपका रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर है वहाँ पर ले जा के आप अपने साइड सेंसर को सही करवा लीजिएगा, क्योंकि कपलर निकाल के आप चलाएंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है और या तो फिर इजीली तरीके से आप घर पहुँच जाइएगा। और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे शायद ये पहली वीडियो होगी जो रॉयल एनफील्ड मिटियोर के ऊपर है जो मैंने कपलर आपको निकाल के साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर का बता के जो बनाई है। सो इस वीडियो को आप दबा के लाइक करेगा, कॉमेंट करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। That I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving